गुमला जिला अंतर्गत झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के बैनर तले एएनएम जीएनएम कर्मचारी गुमला जिला इकाई के तत्वाधान में बुधवार को सैकड़ों की संख्या में एएनएम और जीएनएम कर्मचारी आक्रोशपूर्ण रैली निकाली और जिला प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। जुलूस गुमला शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए पटेल चौक होते हुए उपायुक्त कार्यालय पहुंचा, जहां सैकड़ों की संख्या में आक्रोशित महिला उपस्थित थी। इस दौरान लोगों ने जमकर नारेबाजी की। एएनएम और तीन सहायक द्वारा उपस्थिति कम होने के कारण नाम मांग कर उसके ऊपर कार्यवाही करने और उपा कुमारी एएनएम राहडीए को वेतन रोकने, प्रशासनिक कार्यवाही करने को लेकर कर्मचारियों ने जोरदार रूप से विरोध किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के हाथ में तख्ती व बैनर के साथ जुलूस निकाला, जिसमें भारी संख्या प्रदर्शनकारी लोग उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर जोरदार तरीके से प्रदर्शन किए। इसके अलावा गुमला झारखंड के स्वास्थ्य कर्मियों का एनआरएचएम मदद से वेतन आदि का भुगतान किया जा रहा है, लेकिन कटौती मद की राशि को अव्यय कर दिया गया है, जो अनियमितता एवं निगम के विरुद्ध, इस पर कार्यवाही की मांग की। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए गुमला झारखण्ड से अजीत सोनी। 12 वर्षों से कार्यरत एएनएम रूपा कुमारी हैं। उनको परफॉर्मेंस के आधार पर कि वो काम नहीं जानती हैं कह करके उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई किया गया, जिसके विरोध में हम लोगों ने ये प्रदर्शन आज किया है। हमें डीसी साहब ने ये आश्वासन दिया है कि हम फिर से उसकी एक जांच कराएंगे और जो होगा उचित वो निर्णय लेंगे, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि वो 12 वर्षों से सेवा दे रही है तो इसका मूल्यांकन पहले क्यों नहीं हुआ, 12 वर्ष के बाद क्यों किया गया? 12 वर्षों से वो सेवा दे रही है ना, तो आज ये मूल्यांकन क्यों हुआ? अगर यहाँ के स्तर से इस मैटर को नहीं सुलझाया जाता है तो हम लोग झारखंड राज्य में ना पूरा चिकित्सा व्यवस्था ठप करेंगे और उनको इसके प्रति जो अनुशासनात्मक कार्रवाई हुआ उनको वापस लेना होगा, क्योंकि 10 साल 12 साल जिंदगी का दे करके एक छोटी सी गलती के लिए किसी को बाहर कर दिया जाए नौकरी से, उसके पेट पे लात मार दिया जाए, ये कभी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमारी बात पूरी नहीं होगी तो हमारे एमडी एनएचएम रांची में है, पूरे झारखंड से हम लोग एएनएम जीएनएम संघ जो हैं वो वहाँ पे आंदोलन करेंगे और रूपा कुमारी का जो कार्रवाई हुआ है उसको वापस करवाएंगे। क्या नाम है आपका? मीरा कुमारी, प्रदेश अध्यक्ष एएनएम जीएनएम संघ। जो भी आप लिख के दिए हैं उस पर हम जो है कार्रवाई करेंगे। जो एक रूपा कुमारी को हटाया गया है, हटाने का मैंने कार्रवाई चल रहा है, उसको रोका जाए, उसका वेतन रिलीज किया जाए और जो एनआरएचएम में घोटाला चल रहा है उसका जांच करवाया जाए। नहीं होगा तो हम लोग फिर भविष्य में आंदोलन करेंगे, हम लोग एक लंबा आंदोलन खड़ा करेंगे। अगर मेरी बात को नहीं सुना गया तो हम लोग 23-24 सूत्री डिमांड दिए हैं, वो डिमांड को नहीं मानेंगे तो फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे। मूल रूप से जान लीजिए एनआरएचएम में पूरा पैसा को यहाँ का डैम डीपीएम और आपका जो बीपीएम सब है ब्लॉक में, ये लोग सारा लोग पैसा लूट रहा है, कर्मचारी सहिया एएनएम का भी पैसा को लूट के खा जा रहा है। उपायुक्त से मिलने से लगा जो ये कुछ समस्याओं को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, अगर नहीं करेंगे तो फिर आंदोलन करेंगे। हमारी में बोले जो हम देख लेते हैं इसको, लेकिन इतना आपको आश्वस्त कर देना चाहते हैं, जो मेरा जो कर्मचारी महासंघ है रूपा कुमारी को बर्खास्त होने नहीं देगा। बर्खास्त अगर करेंगे तो कई लोग बर्खास्त होंगे। क्या नाम है? भूषण कुमार, जिला सचिव, झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ।